क्षेत्र के गांव नगला गाज सिंह में अखिलेश कुमारी ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र देते हुए बताया कि रविवार सुबह पड़ोस के जय सिंह ने अपना पालतू कुत्ता खोलकर मेरे घर की तरफ छोड़ दिया, जिसके बाद गंदगी होने पर विवाद हो गया। तभी जय सिंह सत्येंद्र जल देवी सुनेना एक राय होकर पीड़िता के घर पर आ गए, लात घूसों से जमकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी तक दे दी। पूरे मामले में पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की और दबाव बनाकर राजीनामा लिखवा लिया। इसके बाद सोमवार को थाना एलाऊ के सिपाही राहुल और एक महिला सिपाही सुषमा राजपूत मेरे घर पर पहुंची और मेरी बेटी को जबरिया बड़े अपराधी की तरह घसीटकर मारपीट करते हुए गाड़ी में डालकर ले गए और थाने पर जमकर मारपीट की। पुलिस ने उल्टा पीड़िता व उसकी बेटी का शांति भंग में चालान कर दिया। वहीं इस मामले की जांच कराकर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप दिया गया है। थाने ले जाकर मुझे बहुत मारपीट की है सविता सेंगर ने, सुषमा सेंगर और राहुल चार। मारपीट क्यों की, क्या वजह थी? वजह ये थी, मैंने 112 पे कॉल कर दी थी माँ की शिकायत के लिए, मतलब 17 तारीख को जो हुआ था उसके लिए मैंने कॉल किया था 112 पे। तो इस बात को लेकर किया, तू वकील हो रही है, तू सबसे शिकायत करेगी, इतनी हो रही है, तू मतलब जवान लड़ा रही है, आज तक मेरे खिलाफ किसी ने शिकायत नहीं की है। अब क्या चाहती हैं आप? अब हम ये चाहते हैं, जब हम 18 तारीख को मेरी जमानत हुई है, वहाँ से मारपीट के मुझे कोर्ट भेज दिया है। कोर्ट के बाद मैं जब शाम को घर पे पहुँची, मेरे घर में सारा सामान तहस नहस पड़ा था। अब किससे शिकायत करने आई हो? अब हम ये सर एसपी साहब से शिकायत, एसपी साहब सर से मैं शिकायत करने आई हूँ।